कितने सारे देशों से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ पर बीरबल का घर है, शमशान घाट पे सोए हैं हम सब पार्टी कर रहे हैं छोटी सी। स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर और एक नई प्यारी वीडियो में। आज जयपुर की तरफ हम जा रहे हैं। आपने आज तक पूरे ट्रैवल की सीरीज में देखा होगा कितना ही एडवेंचरस ट्रैवल होता है हमारा। बस, ट्रेन और किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करते हुए लिफ्ट लेते हुए जाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों से जितना ज्यादा हो सके उनसे मिल सके, इंटरेक्ट कर सके। जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ एंटर कर रहे हैं, लोगों की बोली बदल रही है। लोगों की बोली में हरियाणवी और राजस्थानी मिक्स दिखाई दे रही है। और यहाँ देखो आसपास कितने प्यारे सुंदर खेत हैं, पानी चल रहा है। आप भी चलो हमारे साथ और आप भी शामिल हो जाओ इस एडवेंचर में। अंकल जी ने व्यवस्था करा दी हमारी सोने होने की और खाना वाना भी पूरा खिला के फिर जा रहे हैं अंकल जी। आप स्कूल जा रहे हो? गुड मॉर्निंग। मंदिर है पीर बाबा का मंदिर, जहाँ पे हम रुके और थोड़ा सा टूर करा देते हैं मंदिर। यहाँ पर ये बाथरूम है, लोगों के लिए सुविधा बना रखी है, वॉशरूम वगैरह सब है, नहा भी सकते हैं। सारे सरसों के खेत हैं यहाँ पे, इतना सुंदर लगता है। हम रात को जहाँ सोए हैं देखो, जस्ट बगल में यहाँ पे शमशान घाट, तो यहाँ पे हम सोए थे। अब हमारा प्लान यहाँ से निकलने का है, 9 बज गए हैं। गरम गरम पानी से नहाने वाले हैं, मोटर से ज़मीन का पानी आएगा गरम, उससे नहाएंगे। ये भैया यहीं रहते हैं, इन्होंने हमारा काफ़ी ध्यान रखा। ये जाने से पहले हमें खाना मिला है, आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ, चूल्हे की रोटी है शायद। बढ़िया। ये देखो ये सारी जो दिख रही है ये मशीन टाइप, ये गर्म पानी करने की है। यहाँ से डालते हैं पानी इसमें और बीच में जलाते हैं आग और यहाँ से निकलता है पानी। ये देखो ये इससे ढक देते हैं, ये आग जलाने का है इसमें और ये उससे होता है पानी गर्म। ये दुकान है यहाँ पे। अभी हम हरियाणा में ही हैं, राजस्थान पहुँचे नहीं हैं, अभी नारनौल की तरफ रास्ते में हैं। जैन मंदिर, ये है बीरबल का छत्ता, छत्ता मतलब घर। तो ये बीरबल का घर है, जब वो अकबर के साथ किले में रहते थे तो यहाँ पर कुछ राजकाज के लिए जब भी आते थे तो बीरबल यहाँ पर रहते थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ से ना दो सुरंग जा रही है, एक जयपुर की तरफ और एक जा रही है दिल्ली की तरफ। इसको ना भूतिया सुरंग भी बोलते, तो इसलिए ना वो सुरंग में एंट्री अलाउड नहीं करते। तो उसकी कहानी ये है कि एक बार ना पूरी की पूरी बारात उसमें से जा रही थी दिल्ली की तरफ, तो बारात दिल्ली तक पहुंच नहीं पाई और ना ही वापस आ पाई और उसके कोई नामो निशान भी नहीं मिले, तो इसलिए उस सुरंग को बंद कर दिया, पूरी बारात गायब हो गई थी। तो बड़ी डरावनी स्टोरी थी उन लोगों के लिए, इसलिए वो इन्होंने बंद कर दिया। बाकी हम अंदर से जाने की कोशिश करते पर ये बंद कर रखा है, इसलिए हम अंदर से दिखा नहीं सकते। यहाँ पर काम चलने की वजह से देखो, यहाँ पर जैसे अभी ये प्लास्टर वगैरह चल रहा है, इसको रिपेयरिंग का काम चल रहा है इससे, क्योंकि ये काफ़ी जर्जर हो चुका था। अब यहाँ पर दुकानें वगैरह खुल चुकी हैं, ये किला है। अगर आपको यहाँ पर आना है, बीरबल का छत्ता देखना है, जो कि अभी तो बंद है पर कुछ टाइम बाद खुलेगा ही ज़रूर, तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो हरियाणा के नारनौल ज़िले में है। नारनौल काफ़ी फेमस जगह है, आप आराम से पहुँच जाओगे, मैप में भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आके आपको स्टैंड, बस स्टैंड के पास ही है। तो ये था बीरबल का घर, अब हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये है कांजी वड़ा, ये बहुत स्वादिष्ट, में दही चटनी और हरी चटनी डली है, दो बड़े डाले हैं 30 रुपये में। हाँ, हरियाणा में मूंगफली वगैरह का बहुत क्रेज़ है, हर थोड़ी दूर में एक मूंगफली की दुकान दिख जाती है, बनता हुआ कोई बेचता हुआ, और यहाँ थोड़े रेट भी सस्ते हैं। देखो कैसे टेम्पू पूरा भरा पड़ा है, एक्स्ट्रा ऊपर तक लटके हुए बंदे। ओए ये कैसी गाड़ी आ रही है? हाँ अच्छा शादी के लिए है, आज किसी की बारात है। एक और भरी बुरी सवारी,
बैग पे मिट्टी 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 हो गई, ट्रैक्टर में पीछे गंदा था, पटक पटक क्या है उसमें मिट्टी थी काफी सारी। ये देखो कैसा हो गया। हमें जाना है इधर जयपुर की तरफ, ये रास्ता जा रहा है, उन्होंने यहाँ उतारा है क्योंकि इधर जाना था उनको। काफी किलोमीटर आगे आ गए, देखो पहाड़ एक दो, पहाड़ों के साथ सरसों के इतने सारे खेत। वो अंकल काम कर रहे हैं खेत में, कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ। हरियाणा पूरा ऐसे ही ना खुला खुला है, और पूरे हरियाणा में हमने सरसों ही सरसों देखी है। जहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, अब हरियाणा का एंड है, राजस्थान में एंट्री होने वाली है, और पूरे और भी कुछ किसी भी खेत में कुछ और लगते देखा ही नहीं है, सब में सरसों ही सरसों। जितने भी हाईवे के आसपास थे सरसों, देखो यहाँ अब जितना ही ग्रीन देख रहे हो सारा, वहाँ से लेके वहाँ तक सब सरसों है। पूरा हरियाणा सरसों से भरा हुआ है। ये देखो कितना सुंदर लगता है हरा हरा खेत। सरसों में शायद पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये भी नोटिस किया मैंने, पानी का ना खूब वो चल रहा है। ये देखो हाँ, ये भी पानी लगा रहे हैं, खूब पानी पानी भरा हुआ है। देखो यहाँ दिख रहा होगा ये, ओ नीलकंठ, किंगफिशर बोलते हैं इसको। अब हरियाणा के एंड पे हम 20 किलोमीटर बाद हम अंदर होंगे राजस्थान के। ये हम खड़े हैं जयपुर राजस्थान वाले हाईवे पे, और यहाँ पे लिफ्ट की तैयारी है, और अभी बज रहे हैं 4 बज चुके पूरे। यहाँ से राजस्थान के लिए लिफ्ट लेंगे और सीधा जयपुर उतरेंगे। होपफुली यहाँ से बड़े जो ट्रक होते हैं सीधे वहाँ तक जाएंगे तो मिल जाएगी, नहीं तो बीच में भी देखेंगे जहाँ भी है, पर उम्मीद है जयपुर पहुँच जाएंगे। 4 बज रहे हैं, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, आज फिर से लेट है। वहाँ पे उत्तराखंड में हुआ था हमारे साथ, लेट हो गए थे, शायद वही रहे। ऑलमोस्ट जयपुर तक के हम लोगों को लिफ्ट मिल चुकी है। ये रे भैया, इन्होंने काफी चीजें हमें बता भी दी कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप। मेरा नाम दिनेश मीणा है। दिनेश मीणा जी हैं, ये राजस्थान के ही हैं, वहीं रहते हैं। राजस्थान का अलवर जिले का रहने वाला हूँ वैसे तो। हाँ जी। बाकी जयपुर में रहते मेरे को 10-15 साल हो गए। मारवाड़ी लोग आपको इतना प्यार और इतना कुछ देंगे जिसकी कोई बात नहीं। ठीक। मतलब जयपुर जैसे शहर में है ना, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। पहाड़ के वहाँ पे एरिया पे लोग होते हैं तो बोलते हैं नीचे वाले लोग खराब है, इधर वाले बोलते हैं हरियाणा के खराब है, हरियाणा वाले बोलते हैं दिल्ली वाले खराब है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है ना, ऐसा कुछ नहीं। उसकी एक अलग ही महक है समझो, है ना, अलग ही फील है उसका। राजस्थान का अलग। अब वैसे हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं ना। हाँ, राजस्थान में आप अभी फिलहाल कोटपुतली शहर में घुसने वाले हैं, 5 किलोमीटर पहले है, और वो राजस्थान के अंदर ही आता है। राजस्थान में चलते चलते भूख लग रही थी तो भैया और हम लोग मिलके, जो हमें प्रसाद मिला था बूंदी, हम सब पार्टी कर रहे हैं छोटी सी, खाते पीते चल रहे हैं। भैया ने खिलाया। देखो ऐसे मजा आता है, ऐसे दोस्ती सी हो जाती है ना मिलते हुए। अगर हम बस से आए ट्रेन से आए ना तो सीधे ऐसे जैसे घोड़े की ओनी लगी रहती, ऐसे चुपचाप जाएंगे, जल महल देख के वापस आ जाएंगे। हम लोगों से तो मिल ही नहीं पाएंगे, राजस्थान हमें तब पता चलेगा, राजस्थान के लोगों से जब मिलेंगे। सही बात है ना जी। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिफ्ट लेकर चलते हैं, बात ये नहीं है कि पैसे नहीं है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लिफ्ट ले जाते हो। आपने बताया ना भाई, हम ऐसे घूम रहे हैं, पूरा होल इंडिया का मतलब घूमने का प्लान बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो तो जरिया है खाली यूट्यूबर का तो। हाँ। बाकी बहुत अच्छा लगा सुन के आपके मुँह से। हाँ। मेरी तरफ से आपको कहीं पे अच्छे से ढाबे पे रोक के आपको चाय पिलाएंगे। हिल रहा है धच्ची में, देखो गैप देखो इसका। अरे बाप रे। ये रे भैया अपना नाम बता दो। आपका भी नाम मुकेश है? मेरा भी नाम मुकेश है। मेरा नाम मुकेश गुजर। आपका भी मुकेश है? देखो 3 मुकेश हो गए, और ये दिलीप भैया, इनकी चाय पी रहे हैं, बहुत बढ़िया लगे, टेस्ट स्वाद है। क्या कर रहे हैं यार तू? देखो सड़क से ही पानी पी लेता हूँ मैं, हिमाचल में वैसा साफ पानी होता है ना। ये देखो, ये राजस्थान में मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम है निम्स मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पता चला है कि देखो ये जो झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको ढेर सारे, 1, 2, 3, ये इतने सारे देशों से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं यहाँ पे मेडिकल की।
तो वो देखो, चाइना, जापान, सारे आपको काफ़ी सारे कंट्रीज मिल जाएंगी मेरे ख्याल से, 20 के आसपास तो आराम से हैं, गिन के बताता हूँ, 25 से ज़्यादा झंडे हैं, तो 25 से ज़्यादा कंट्री के लोग यहाँ पर, स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, नेम्स कॉलेज। ये देखो, पानी की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है।